बिल्कुल करीब आके मौके पे आके इनका दुख दर्द जाना है। हजारों लोगों का समर्थन यहाँ पे इन लोगों के साथ है, क्या महसूस किया, क्या कहेंगे? देखिए, जब मंच के ऊपर तीन बच्चियाँ और एक जो पीटीआई गुजर गए उनकी पत्नी खड़ी हुई और ये पता चला कि इनकी पेंशन भी बंद कर दी गई, तो मन के अंदर बहुत वेदना हुई कि हरियाणा सरकार इतनी इनसेंसिटिव कैसे हो गई, इतनी जनता के प्रति उदासीन कैसे हो गई। इस कोरोना के अंदर तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहते हैं हम खाना बांटते हैं, इन्होंने नन्ही बच्चियों की रोटी छीन ली। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हरियाणा सरकार के वकील ने कहा कि फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की कोई वैकेंसी हरियाणा में नहीं है। इसका मतलब ये साफ दर्शाता है कि हरियाणा सरकार की नीयत नहीं थी कि नौकरी पर रहें। हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुस्तैदी से केस लड़ना चाहिए था, और अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ ही गया तो हरियाणा की विधानसभा को पावर है कि अपनी विधानसभा के अंदर एक्ट को पास करे और इन लोगों की नौकरी को बहाल करे। कानून जो भी मर्जी बने, अगर सरकार की इच्छा शक्ति होती है तो कानून आड़े नहीं आते। सरकार के इच्छा शक्ति के अंदर कमी है तो इन लोगों के हाथ धरने पर बैठना पड़ा। मैंने इनको कहा है कि वोट की चोट से हमेशा राजनीतिक पार्टियां डरती हैं, चाहे जो मर्जी पार्टियां साझा करके ये सरकार चला रही हो, उन्होंने इनकी रोटी को छीना है। मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं, बड़ौदा का चुनाव निकट है, इनको बता दो कि वोट की वो चोट आपको लगेगी, दोबारा हरियाणा में सरकार बनाना भूल जाएंगे। प्रजातंत्र का कैसा रूप कहेंगे, क्योंकि सरकार का प्रतिनिधि कोई भी बात करने तक वो तैयार नहीं है, जबकि हजारों लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, जनभावना का मामला है। क्या सरकार सत्ता के नशे में चूर है, क्या क्या करार देंगे? हरियाणा सरकार हरियाणा की जनता के प्रति उदासीन हो चुकी है। आज ये 1983 परिवार और अनेकों गांव की खाप पंचायतें यहाँ पर आई हुई हैं। हर रोज गोलियां मारने की बातें व्यापारियों के साथ हरियाणा के हर जिले के अंदर हो रही हैं। हरियाणा का किसान परेशान है, हरियाणा की बहन बेटियों की तरफ अत्याचार और बलात्कार जैसे मामले हर दिन सुनने में आते हैं। हरियाणा पुलिस के नौजवानों को सरेआम गोली मार दी जाती है। खट्टर प्रशासन कहाँ सो रहा है मुझे नहीं मालूम। अभी सरकारी स्कूलों को बंद करने का निर्देश भी हरियाणा सरकार पास करने के लिए जा रही है। टीचर्स को हटाती है, पीटीआई को हटाती है, सरकारी स्कूलों को बंद करने की सोचती है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले कैसे भाजपा की सरकार है, कैसे खट्टर साहब है, क्या सोचना चाहते हैं? गर्मी के अंदर इतने परिवार बैठे उनको बात करने के लिए अपना नुमाइंदा तक भेजने के लिए तैयार नहीं। मैं उनकी निंदा करता हूं, भत्सना करता हूं और उम्मीद करता हूं उनको भगवान सद्बुद्धि देगा।